जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश 8, -16, 20, -24, 28 हो जाए। तो हमें एक परिमेय संख्या दी गई, इस तरह से देख रहे हैं। इस परिमेय संख्या को हमें क्या करना है, इसको हमें ऐसा कर देना है कि इसका अंश 8 हो जाए, पुनः 16 हो जाए, -16, फिर 20 हो जाए, और इस तरह से 24 हो जाए और 28 हो जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, यही आप हम लोगों को इसमें करना है। तो देखिए, पहला है कि इसका अंश 8 हो जाए। तो क्या है कि अंश 8 हो जाए, तो देखिए हमारी परिमेय संख्या क्या है, हमारी परिमेय संख्या है -4/5। देख रहे हैं परिमेय संख्या 4/5 है। तो अब हमें करना है कि इसका अंश 8 हो जाए। तो इसका अंश 8 कैसे होगा, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें। अगर हम इस संख्या में -2 का गुणा कर दें और -2 का भाग कर दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया कि -4 × -2, और नीचे हो गया 5 × -2। इस तरह से अब देखिए कितना हो गया, ऊपर हो गया 4 × 2, -4 × -2, तो -×- प्लस हो जाएगा, और यह जाएगा कितना, ये हो गया, अब हो जाएगा कितना, 4 × 8 हो गया, नीचे 5 × 10, नीचे -10 हो गया। इस तरह से देख रहे हैं इसका अंश अब 8 हो गया, हर इसका -10 है। तो इसी तरह से हमें ख और ग, घ को सबको हल करना है। तो अब आप, हमें लगता है कि आप बड़े सरल ढंग से इसको कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, अब ख है, ख ये है कि कह रहा है कि इसका हर कुछ भी हो लेकिन इसका अंश -16 हो जाए। तो -16 कब होगा, तो देखिए आपकी भिन्न क्या है, आपकी परिमेय संख्या है कि -4/5 है। तो अगर हम इसमें कितने का गुणा कर दें, अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें, जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 का हमें भाग भी करना होगा। तो 4 का जब ऊपर देखिए तो -4/16 हो गया, और नीचे 5/20 हो गया, -16/20 इसका अंश 16 हो गया। इसी तरह से देखिए ग भी कर सकते हैं। देखिए ग क्या है, ग कह रहा है कि इसका हर चाहे जो भी हो लेकिन अंश इसका 20 हो जाए। तो अंश इसका 20 है, तो अंश 20 कैसे होगा, देखिए सवाल लिखेंगे आप कि -4, अगर इसमें हम 5 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 5/20, लेकिन -20 होगा, इसलिए हम इसमें -5 का गुणा कर देते हैं। -5 का गुणा करेंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, जब ये 5/5 हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा कि -5/20 हो जाएगा, ऊपर 20 हो गया, नीचे 25 हो जाएगा, नीचे भी माइनस होगा तो नीचे माइनस हो जाएगा। इसी तरह से हम ग और घ और ग भी कर सकते हैं। चलिए घ को हल कर लेते हैं। घ को हल कर देखिए, -24 है, तो -24 अंश करना है। तो आपका प्रश्न क्या है कि -4/5 है, तो 4/5 है, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें 24 करना है, तो इसमें करें 6 का गुणा कर दें, तो 6 का अंश और हर में गुणा करें कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -24 और नीचे हो जाएगा 6/5 = 30। इस तरह से इसको भी कर दिए। तो आशा करते हैं कि आप अब समझ गए होंगे कि हमें इस प्रश्न को कैसे हल करना है। तो चलिए ग घ अंगा अंगा भी कर लेते हैं। अंगा में क्या है, देख रहे हैं इसमें दिया है कि इसका अंश
28 करना है तो आपके भिन्न क्या है, माइनस 4 बटा 5। तो अगर हम इसमें माइनस 7 का गुणा कर दें, अंश और हर में माइनस 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया, ऊपर आ जाएगा 7 चौक 28 और नीचे हो गया 5 7 -35 हो गया। तो इसका हर देख रहे हैं माइनस 35 हो गया और अंश इसका 28 हो गया है। तो आशा करते हैं कि ये आप बड़े सरल ढंग से कर सकते हैं और इस तरह का कोई भी प्रश्न होगा तो आप सरल ढंग से कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।